पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से खड़ी होने वाली मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ टूटने की घटनाएं फिर हुई, जिनसे लोगों की परेशानी बढ़ गई। जिसकी कुछ तस्वीरें हिमाचल के सोलन से भी सामने आई, जहां पहाड़ से थोड़े थोड़े पत्थर गिरने के बाद उसका एक बड़ा हिस्सा अचानक अलग होकर सड़क पर जा गिरा। कुछ ही देर हुई थी तभी थोड़ा और बड़ा हिस्सा टूटकर पहाड़ से अलग हो गया। इतनी तेजी से मलबा नीचे गिरा कि कोई भी सहम जाए। पहाड़ का मलबा सड़क पर बिखरने से हाईवे ब्लॉक हो गया, जिसकी खबर मिलते ही प्रशासन की टीम वहां पहुंची और खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से मलबे को वहां से हटाया गया। कुछ इसी तरह के हालात नाहन में भी तब बन गए जब पहाड़ खिसकने से वहां भारी नुकसान हुआ। इस घटना की चपेट में कुछ जानवर भी आ गए। ऐसे में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। उन लोगों ने ही मलबे के नीचे दबे शवों को निकालना शुरू कर दिया। प्रशासन को तुरंत भेजे ताकि यहाँ मौके पर इसका जायजा लिया जा सके। उत्तराखंड में भी ऐसी घटनाओं ने लोगों की जिंदगी में मुश्किल खड़ी कर दी। नैनीताल में पहाड़ खिसकने के बाद भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर रास्ता साफ करने का काम शुरू हो गया। इसके लिए एक मशीन लगाई गई। वहाँ जिला प्रशासन ने खतरे वाली जगहों पर लोगों को अलर्ट करने का इंतजाम पहले से ही कर रखा है। यहाँ पे लगातार पत्थर गिरते हैं वहाँ पे, या फिर स्लाइड आता है, ऐसे जगहों पर हम लोगों ने बोर्ड्स वगैरह भी लगा रखे हैं। रुद्रप्रयाग में भी पहाड़ टूटने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा इकट्ठा हो गया। धीमे धीमे छोटे छोटे पत्थर मिट्टी के साथ गिरते रहे। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे पानी के साथ बहती रेत हो। उत्तरकाशी में पहाड़ खिसकने की घटना के बाद गंगोत्री हाईवे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही खुदाई करने वाली एक मशीन से मलबा हटाने के काम में तेजी लाई गई। सौबात की बात है कि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा के अलावा बाकी सभी जिलों में 1 जून से अब तक सामान्य से थोड़ी कम बारिश ही हुई है। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तो मौसम विभाग के हिसाब से सूखा पड़ा हुआ, जबकि वहां भी लोग बाढ़, मिट्टी और चट्टाने खिसकने से तबाह हैं। जिसका एक ही मतलब है कि पहाड़ों पर बरसात सामान्य चाल से नहीं बल्कि एक झटके में हो रही, जो जलवायु परिवर्तन का डरावना संकेत है।